दोस्तों इस समय हम हैं निरहू जी के यहाँ, जो कि 10 साल पहले ये इन्होंने छोड़ दिया था काम और आज फिर से उनकी वापसी हो गई है। चलिए हम उनसे मिलाते हैं और उनकी बातें सुनेंगे आप लोग। और हमारे साथ बहुत लोग हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हैं और आप देख सकते हैं हमारे साथ निरहू जी हैं। चलिए इनसे हम मिलाते हैं। और एक निरहुआ और हैं जो कि दिनेश लाल निरहुआ, अभी सांसद हुए हैं, और इनसे भी हम जानेंगे कि अगर इस बार आए हुए हैं तो क्या यह छोड़ के चले जाएंगे, ताकि लेकिन छोड़ के चले जाएंगे कि आप कंटिन्यू करेंगे या काम। चलिए इनसे सबसे पहले इनसे हम बात करते हैं। आइए आ जाइए इधर। हमारे साथ प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर और को ईस्ट जो मतलब कि पीछे से काम करते हैं लोग, वो भी मौजूद हैं। और हमारे साथ कैमरा मैन जो है वो भी मौजूद हैं। देखिए इन लोगों को आप देख सकते हैं एक बार कि कितनी इनके चेहरों पे गर्मी है और पानी फेंके हुए हैं लोग। पानी यानी कि देहात भाषा में बोला जाता है कि पानी फेंक दिया गया, यानी कि बहुत ज़्यादा काम करने पर गर्मी आ जाती है, पसीना आ जाता है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं और आपका भी। मैं सबसे बड़े धन्यवाद देता हूं सच अभी तक का, जो आप लोग आए और हम सबसे रूबरू हुए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और अपने जनता जनार्दन को, भोजपुरिया भाइयों को दिल से प्रणाम और आशीर्वाद की कामना करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर हमारा ये सवाल है कि आप क्यों छोड़ दिए थे? मैं छोड़ नहीं दिया था, मैं थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम में थोड़ा उलझ गया था, बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी। हाँ, और उसी बीच हमारी बीच में भी हमारी माता जी का भी देहांत हो गया था, तो बहुत सारी परेशानियों से मैं जूझ रहा था। तो दो तीन साल हुआ जो हमने फिर से बैकअप किया है, और हमारे मामा जी का देन है, हमारे शिवा भैया का देन है, हमारे डायरेक्टर साहब का देन है, कैमरामैन साहब का देन है, इधर हमारे तिवारी जी सिंगर जी हैं। तो ये टीम हमारी फिर से वापस हुई और हम सभी लोग मिल के बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को हम लोग तैयार किए हैं, जो पब्लिक को हंसने हंसाने के फिर से काम शुरू किया है। तो क्या गाना ही सिर्फ देंगे? पहले जैसा कि फिल्म भी पहले बनाते, अब भी फिल्म बनाएंगे? बिल्कुल, जैसे कि अभी हम लोग पूरे एंटरटेनमेंट का पहले एल्बम बना रहे हैं, फिर बीच में हम लोग नेक्स्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं, फिल्म भी बना रहे हैं। जैसे कि मामा जी का हमारे जो हमारे निर्माता साहब हैं, चलो नदिया के पार कर रहे हैं, फिर शिवा म्यूजिक वर्ल्ड से हम लोग कर रहे हैं, एक फिल्म इनका भी कर रहे हैं जो शिवा म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी है, जो उसमें भी हमारे बहुत सारे वीडियो हैं, तमाम वीडियो हैं और लगातार आते रहेंगे। और मामा जी का जो अभी वीडियो कंपनी चालू होने जा रही है काशी फिल्म, उस पर भी काम होगा। और श्रीकांता म्यूजिक हमारे डायरेक्टर साहब का है, उस पर भी काम चालू है। और मजाक मस्ती हमारे ज्ञान यादव जी का है, उस पर भी काम शुरू होने जा रहा है। हैं, तो ये तमाम अभी और कंपनियां हैं हम लोग पास, जो हम लोग लगातार उस पर काम करें। जैसे सर ने बताया कि 150 गाने हम लोगों ने कॉमेडी तैयार किए हैं। आपका 2-3 इंटरव्यू आया है और गाने भी आए हुए हैं जो कि लोग देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि पहले से निरहू जी जो हैं कि अब मोटे हो गए हैं और उसके बाद पहले थे फरहर थे, ऐसा क्यों? नहीं तो हम मोटे थोड़ा सा हुए हैं, वही जोश है कि मतलब कि जोश वही है। और वो हम आप कैसे बताएं, वो अब हमारी वीडियो देखेंगे इस समय के लेटेस्ट जो वीडियो भी शूट हुआ है, निरहू चला बाबा धाम, और एक टाइटल क्या था, और हाँ सास पी के गोबर पतो देखे मिला, जो हमारे डायरेक्टर साहब ने शूट किया था वो अभी मिली। और बुढ़वा के मारती है बुढ़िया लंगी जो आज शूट हुआ है, संया संग देवघर जीबे ना, तो अभी 3-4 गीत 5 गीत अभी आज शूट हुए हैं, अभी और शूट चालू है हम लोग के। तो लोगों को फिल्म इस बार इस समय कौन सा देखने को मिल जाएगा, कौन सा रिलीज हो रहा है इस समय? संया संग देवघर जीबे ना, निरहू चला बाबा धाम, सास पे के गोबर पतो देखे मेला, और बुढ़वा के मारतिया बुढ़िया अड़ंगी, बहुत मज़ेदार चीज़ है। आपको बता दें कि इंटरटेनमेंट की दुनिया में इंटरटेनमेंट ही लोगों को मैं करना चाहता हूँ, कि लोगों को हंसाएं और खुश रहें। लोग देखना चाहते हैं कि आखिर वही निरहुआ है कि मतलब कि कोई दूसरा है, मतलब उनके दूसरा रूप है कोई, बट थोड़ा सा कुछ ऐसा करके दिखाइए जो कि उनको विश्वास हो जाए कि हाँ हमारे जो 10 साल पहले निरहुआ थे वो आज भी हैं। तो वो तो जब हम गाना बजेगा, जब परफॉर्मेंस करेंगे तब तो करके दिखाएंगे ना। इस समय कोई डायलॉग हो जाए? अभी तो डायलॉग नहीं याद रहता हमको, जब हम करेंगे तभी याद रहता है हमको, ऐसे बिल्कुल नहीं याद रहता है। हाँ
आप लोगों का भी, आप तो बड़े मेहनत कर रहे थे। हाँ सही, ऐसे ही लगे हुए, पसीना आ गया आपको। तो मेहनत का काम ही है तो पसीना तो आएगा ही, एक तो गर्मी भी तो पसीना तो आएगा सर ना, गर्मी भी है जी। तो आप लोग इन पे कैसे विश्वास कर लिए कि जो फिर पहले थे और आज भी वही आएंगे तो फिर धमाल मचा देंगे मार्केट में? नहीं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, विश्वास तो ऑलरेडी जमा हुआ है, विश्वास करने की नया विश्वास थोड़ो करना है। अभी पहले से सुपर स्टार है, इनको स्टार तो बनाना नहीं है, बस आप लोगों का प्यार दुलार थोड़ा कम हो गया था, ये भी थोड़ा इनका थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन अब सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए हैं। अब हम लोग नए सिरे से एकदम पूरा जोरदार तरीके से इस बार मतलब एंट्री हुई है हम लोगों की, और इस बार लगातार जो है एकदम मीडिया में हम लोग बराबर बने रहेंगे। अभी तो शिवा म्यूजिक वर्ल्ड से इनके लगातार गाने आ रहे हैं, अभी सैया संग देवघर जीवेना, और उसके बाद अभी आ रही है आज दे दे प्यार दे, प्यार दे सॉन्ग आ रहा है, और बहुत सारे सॉन्ग आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, और जिसका शूट हम लोग अभी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी करेंगे, और उसके बाद फिर भी हो गया। नहीं कंट्री नहीं, भी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट करेंगे, अदर लोकेशन पे करेंगे अच्छे अच्छे, और हमारे डायरेक्टर साहब आर्यस यादव प्रीतम जी बहुत अच्छे अच्छे गीत दिए हैं, और हमारे निरहु जी जो कि पहले के सुपर स्टार हैं आज भी सुपर स्टार हैं। एक गाने में इनकी जबरदस्त एंट्री हुई है, और दे दे प्यार दे, और अभी एक गाना इनका चल रहा है सास फेंके गोबर पतो देखे मेला, जबरदस्त ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, गाना मिलियन में पहुंच गया है। आप लोग प्यार आशीर्वाद दें, और हमारे मामा जी का आशीर्वाद है इनके ऊपर, हम लोगों का प्यार आशीर्वाद है, ऐसे ही ये परफॉर्मेंस देते रहें, और कवि जी का आशीर्वाद है, हमारे कैमरामैन जी भी हैं यहाँ पे जो कि लगातार निरहु फिल्म इंटरटेनमेंट, श्रीकांता म्यूज़िक, शिवा म्यूज़िक वर्ल्ड और काशी फिल्म और मजाक मस्ती सारे चैनलों के लिए लगातार काम हम लोग कर रहे हैं, और आप लोगों का बस इसी तरह प्यार। पहले काम करते थे गाना में या फिल्म में, वही एक्टर रहेंगे कि या बदल जाएंगे? नहीं, सारे एक्टर्स जो हमारे जितने भी हमारी पुरानी जो निरहुआ की लव स्टोरी, निरहु की लव स्टोरी, निरहु अनाड़ी, निरहु एक्सप्रेस, जितने भी हमारे सारे कलाकार थे सारे हैं, कुछ नए कलाकार भी हैं, और बहुत अच्छा अच्छा आप लोगों को गाना देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, और कवि जी द्वारा बहुत अच्छे अच्छे गीत भी लिखे गए हैं, और हम लोग अभी फिल्म कॉमेडी फिल्म भी करने जा रहे हैं कुछ दिन बाद, उसका मुहूर्त है, और जो नमस्कार यादव जी, बहुत सारी ऐसे फिल्में आ रही हैं, और बस आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहे जी। चलिए दोस्तों, हम जो है कि निरहुआ जी से मिला रहे थे, जो 10 साल पहले जो स्टार हुआ करते थे आज भी हैं, और फिर से बैकअप उनका हुआ है और धूम मचा रहे हैं लोगों में। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के साथ जी, हमारे मामा जी जी स्वागत है आपका सर। पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? वीरेंद्र जी को बस एक चीज़ कहेंगे कि जहाँ से वापस निकल के आएँ फिर वहीं वापस निकल के जाएँ, सबके दिलों में पूरा विश्वास है जाएंगे। क्या आपको लगता है निखरेंगे इनके वादे पर? बिल्कुल बिल्कुल, अब जब इतनी बड़ी टीम लगी है तो इतना प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, इतने लोगों का प्यार आशीर्वाद है, जनता का प्यार आशीर्वाद है, कौन पीछे रह सकता है फिर? तो आपका नाड़ा कहाँ गया? नहीं, बोलबम में मैं नाड़ा नहीं चलता है, कहाँ लटका? नहीं नहीं, बोलबम में बस केवल टाई चलती है। नहीं नहीं, अच्छा बोलबम में टाई चलती है। तो ये निरहु का जो फनी गेटअप है उस चीज़ को मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ कि थोड़ा सा उसमें लोगों को लगे कि हाँ एंजॉय, वापस आ, हाँ एंजॉय भी मिले और मज़ा भी आए। चश्मा कहाँ से खरीद के लाए? चश्मा नहीं, सड़क से। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही इंटरटेनमेंट करते रहेंगे, और अपने गाने और फिल्म के माध्यम से जो है कि अब फिर वापस आए हुए हैं, यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।